बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बिहार में तेजस्वी और लालू के ऑपरेशन लालटेन के अब कहीं ना कहीं असर दिखने लगे हैं और ये बात दिल्ली तक पहुंच गई है। खबर है कि बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव लालू यादव क्या खेला करेंगे, इस पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई है। सब इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बिहार में डरी हुई है, अपने विधायकों को बसों में कोच कर घुमा रही है। लेकिन अब खबर आ गई है, ये खबर आ गई है बिहार में कि अब केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई है। और साफ तौर पर यह समझे, केंद्रीय जांच एजेंसियों के सक्रिय होने का मतलब यह है कि बिहार से जो खेला होने की तैयारी चली, जो रणनीति लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव बना रहे हैं, दिल्ली तक की सत्ता हिल गई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कुर्सी डगमगा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को मोदी ने तोड़ कर लाया, नीतीश कुमार को अमित शाह ने तोड़ कर लाया। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिराकर जो है वो एनडीए की सरकार बनाई। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव का वो दावा कि बिहार में जो खेला था वो खेला अब शुरू हुआ है, आगे हम खेला करेंगे, नीतीश और बीजेपी ने पूरे 11 दिनों तक माथा पीछे किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो कुछ नहीं कर पाए। और तेजस्वी यादव के वो दावे कि बिहार में अभी खेल बाकी है, आरजेडी का वो दावा कि बिहार में नीतीश कुमार साबित तो करे बहुमत, विधानसभा के अंदर स्पीकर को हटाने के लिए वोटिंग तो करे, अब दिल्ली में बैठे नेताओं को डर है कि लालू का लालटेन आगे तो नहीं बढ़ रहा है, लालू क्या ऑपरेशन लालटेन बीजेपी और जेडीयू को तो नहीं तोड़ रहा है। और यही वजह है कि खबर है कि अब पटना में ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स सक्रिय हो गई है। देखिए, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के सक्रिय होने का मतलब यह है कि तेजस्वी के प्लान को रोकने की हर संभव कोशिश। लेकिन खबर यह भी समझ लीजिए, तेजस्वी यादव ने अपने वॉर रूम से ही पूरी रणनीति बना ली है। तेजस्वी यादव की पूरी रणनीति है कि जब तक बिहार में फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, सभी विधायक एकजुट रहेंगे। नीतीश कुमार को कैसे तोड़ना है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को कैसे तोड़ना है, बिहार में ऑपरेशन लालटेन को सफल बनाकर बिहार में सरकार कैसे गिराना है, इतनी बारीकी से पूरा ऑपरेशन लालू प्रसाद यादव जिसे लीड कर रहे हैं चलाया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों तक इसकी जो है वो भले ही ये दावे किए जाते हो कि बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हुई है, भले ही इस्तेमाल किया जाता हो केंद्र की सरकार की ओर से बिहार में सत्ता को बचाने के लिए, लेकिन लालू और तेजस्वी का मिशन सक्सेसफुल होते नजर आ रहा है। बिहार में मोदी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब के सब अलर्ट मोड पर हैं, विधायकों के खरीद फरोख्त पर नजर है इनकी, लेकिन घबराहट तो साफ नजर आ रहा है और ये बता भी रहा है कि बिहार में बड़ा खेला होना तय माना जा रहा है। फिलहाल आप जुड़े बिहार न्यूज के साथ, बने रहें, धन्यवाद।